अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, नहमदुहु व नसल्लि अला रसूलिल करीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे आज के टॉपिक है शामलियात देह के बारे में। सबका लेक्चर के बाद पार्ट टू आज मैं आपके सामने पेश करूंगा। बात यह है कि शामलात का कानून, शामलात दे, ये एक बड़ा वसी कानून है और ये उस जमीन के बारे में, उस रकबे के बारे में होता है जो देह की मलकियत होती है कॉमनली, और लेकिन वो कल्टिवेटेबल नहीं होती, यानी वो ज़राअत उस पर नहीं हो रही होती। और ये रकबे आम तौर पर जंगल पर कंटेन करते हैं, ये चरागाहें होती हैं, मैदानी इलाकों में खुले मैदान होते हैं और पहाड़ी इलाकों में कई पहाड़ियाँ, उनके हिस्से वो शामलात देह में शामिल होते हैं। तो चूंकि एक वसी कानून है, लिहाजा इसके बारे में अवामुन्नास को मालूमात होना ज़रूरी है। तो आज चूंकि मैं आपको मुख्तलिफ नज़ायर के ज़रिए कानून को आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि मुख्तलिफ अदालतों ने शामलात देह के बारे में जो अपने फ़ैसले सादिर फरमाए हैं उनके मुताबिक, ये एक टर्म आप जहाँ बाज लोगों के यहाँ गैर मुमकिन झील, यानी कि इसको खालसा लैंड भी बोलते हैं बाज इलाकों में, तो इसकी अलाटमेंट, इसकी शरायत हैं अलाटमेंट की, इसके कुछ हिस्से कलेक्टर को पावर है कि वो अलाटमेंट करें, लेकिन वो उसकी कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को और उस कानून को बाकायदा, यानी कि जिस तरह आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर ग्रांट ऑफ खालसा लैंड, ये ग्राउंड रेंट एंड लीज रूल्स हैं 1985, ये खास अलाटमेंट के लिए ये रूल्स बनाए गए हैं। तो एक कलेक्टर साहब ने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ कानून को मद्देनजर रखकर, तमाम शरायत को मद्देनजर रखकर अलाटमेंट की, लेकिन वो अलाटमेंट चैलेंज हो गई और रेवेन्यू की हायर अथॉरिटीज ने वो कलेक्टर साहब के ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। लेकिन दूसरी पार्टी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वहां गई और वहां हायर कोर्ट ने ये होल्ड किया कि कलेक्टर साहब ने वो तमाम कवानीन को मद्देनजर रखा और तमाम शरायत को ऐसी खालसा लैंड
गैर मुमकिन झील का जो रकबा था उसको अलाइटमेंट के लिए जो शरायत थी उनको मद्देनजर रखकर अलाटमेंट की है, लिहाजा उन्होंने रेवेन्यू की हायर अथॉरिटीज के ऑर्डर्स को कैंसिल किया और कलेक्टर साहब के ऑर्डर को मेंटेन रखा। तो इसमें 2002 CLC पेज 1634 इसके मुताबिक आप देख सकते हैं कि कलेक्टर साहब के जो उनकी अलाटमेंट थी उसको बहाल किया। लिहाजा अब यकीनन इससे पता चला कि गैर मुमकिन झील रकबा जो जिसको खालसा लैंड भी बोलते हैं वो अगर तमाम शराइत कानूनी नुकात यानी कि उनमें देखना ये था कि क्या ये रकबा किसी खास यानी कि पब्लिक के वेलफेयर के लिए था या कोई और किसी खास मकसद के लिए ये रखा गया था। अगर ये बात नहीं है तो वो अलाटमेंट दुरुस्त है। बहरहाल इसकी तफसीलात आप यकीनन वकला हजरात भी सुन रहे हैं नोट फरमा लें। तो तफसीलात यकीनन मैं जो बातें आपको बताता हूँ ये मोटी मोटी कानूनी बातें होती हैं, जब अमली तौर पर कोई आप दावा कर रहे होते हैं तो फिर अपने जो मकामी वकला होते हैं तो माशाल्लाह हर जगह बड़े काबिल वकला होते हैं, खासतौर पर बड़े शहरों में और नहीं माशाल्लाह हमारे छोटे शहरों में भी मेरे पास कई छोटे शहरों से अपीलों की शक्ल में केस आते हैं तो उनमें पता चलता है कि हमारे छोटे छोटे ज़िलों में भी तहसीलों में भी बड़े काबिल वकला बैठे हैं। उनके दावे मैं जब ख़ास तौर पर उर्दू में लिखे हुए दावे में पढ़ता हूँ तो मैं बड़ा खुश होता हूँ, वो ऐसे खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं हमारे वकला कि वो हम भी अश अश कर उठते हैं। एक और मामला है कि अदना मालकान जब कोई ऐसी सूरत हो कि वो उनको सिर्फ प्रॉपर्टी कल्टीवेशन के लिए बारानी इलाके में कल्टीवेशन की दी गई और उन्होंने कल्टीवेशन की लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो उसके मालिक बन जाएंगे, उनको बाकायदा वो क्योंकि उनका मकसद सिर्फ वो उनकी कल्टीवेशन थी, उनके राइट उनके उससे जब फॉर द पर्पज ऑफ कल्टीवेशन दी गई हो तो उनके प्रॉपर्टी राइट्स क्रिएट नहीं हो जाते, लिहाजा उनको भी लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में फैसला है PLD 1951 लाहौर पेज 92 इसके मुताबिक वो अदना मालकान के ज़ुमरे में आते हैं, वो उसके प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बन जाते जिनको
सिर्फ उसकी हो बरानी मकासद के लिए दिया गया हो उनको कल्टिवेशन के लिए, लिहाजा उनको भी पोजेसरी राइट्स जो हैं वो उनका कब्जा बगैर हकूक के होता है, लिहाजा उनके मालकाना हकूक क्रिएट नहीं हो सकते। तो उम्मीद है आप मेरे इन लेक्चर से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि ये अब मैं तो के साथ साइटेशन बता देता हूँ, अब आपका काम है कि उन साइटेशन को बुक्स वहाँ से कॉपी करवाएं, उनको फिर पढ़ें, तो तफसीलात यकीनन उनमें आपको मिलेगी। हम तो टिप्स देते हैं कि भाई ये इस पॉइंट के ऊपर फैसला हाई कोर्ट ने किया है, तो अब चूँकि अदालतें आइडेंटिकल केसेस जब फैसले होते हैं हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के, तो नीचे अदालतें बाउंड होती हैं तो उनको मद्देनजर रख कर फैसले करें। तो उम्मीद है आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ऑल को प्रेस करना भूलेंगे नहीं, और इंशाल्लाह इस टॉपिक को मैं मज़ीद कंटिन्यू रखूँगा और पार्ट 3 इंशाल्लाह आप तक पहुँचेगा। तो आप ये काम कीजिएगा ताकि आइंदा की मेरी वीडियोस आप तक का बाकायदा पहुँचे। मुझे खुशी होती है आप लोग मुझसे रब्ता करते हैं फिर छोटे मोटे, लेकिन मैं गुजारिश करूँगा कि पहले वीडियो को खूब अच्छी तरह देखा करें ताकि जब मैं फिर मुझसे बात करें तो फिर आपको ज़्यादा बात अच्छी समझ आएगी, क्योंकि फिर टेलीफोन पे तो मैं आपको फिर कानूनी पॉइंट ही बता सकता हूँ ना, लेकिन आपने अगर वीडियो देखी होगी तो फिर आप मुझसे बात करेंगे तो आपके भी माइंड में होगा, मेरे भी माइंड में होता है, तो फिर अब मेरी बात आपको ज़्यादा जल्दी समझ आ जाए। थैंक यू, अल्लाह।